क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? फ्रांस की क्रांति के दौरान अब हम पढ़ेंगे क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। सबसे पहले आप ये चित्र देखिए, वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें, यानी कि अब पेरिस की जो औरतें हैं वो राजा लुई को घेर लेगी, और आपने पढ़ा है कि गिलोटिन पर भी चढ़ा दिया जाएगा इसको। लेकिन महिलाएं अब अपने मताधिकार के लिए, अपने मत के अधिकार के लिए लड़ेंगी, ठीक है। तो महिलाएं शुरू से ही आप चित्र देख रहे हैं, वर्साई की ओर कूच करती पेरिस की औरतें, 5 अक्टूबर का ये चित्र है। 5 अक्टूबर 1789 को महिलाएं इकट्ठी होकर अपने मतदान के लिए, अपने हक के लिए इकट्ठी होकर राजा के पास जा रही है। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश जो महिलाएं हैं वह महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी, अपना पेट पालने के लिए काम करती थी, ठीक है। तीसरे स्टेट की महिलाएं जैसे सिलाई बुनाई करना, कपड़े की धुलाई करना, है ना, और बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचना, तथा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी, अमीर घरों में नौकर का काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी पैसे कमाने के लिए। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। इनको कोई ट्रेनिंग देने का कुछ भी नहीं था। केवल कुलीनों की लड़कियां और तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट जैसे स्कूलों में पढ़ पाती थी। तीसरे स्टेट में भी जो धनी परिवार थे उनकी लड़कियाँ ही कॉन्वेंट जैसी जगहों पर पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी, ठीक है। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देख रेख आदि कार्य करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू कर दिए। अब महिलाएं भी एक साथ मिलकर के अपने क्लब, अपने अखबार निकालने लगी। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए और उनमें 60 क्लब अस्तित्व में आए, ठीक है, और उनमें इम्पोर्टेंट है एक महत्वपूर्ण मशहूर क्लब जिसका नाम है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, ठीक है। एक महत्वपूर्ण क्लब है, मशहूर क्लब जिसमें महिलाएं चर्चा करती थी, उसका नाम है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, ठीक है, सबसे मशहूर क्लब था ये। उनकी एक मांग थी, इस क्लब की क्या मांग थी, इस क्लब की मांग थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ये महिलाओं की मांग थी इस क्लब के अंदर, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन मशहूर क्लब था। यहाँ महिलाओं की मांग थी कि उनको पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, मतलब उनको नागरिक ही नहीं समझा जाता था, निष्क्रियता मानी जाती थी, किसी काम की नागरिक नहीं है, मतलब 1791 के संविधान में। तो महिलाओं ने मताधिकार असेंबली के चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग की कि हमें भी राजनीति में पद दिए जाएं। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। अतः महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए, जैसे सरकारी विद्यालयों की स्थापना करना, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा के अधिकार को भी स्कूलों में लड़कियों के लिए अनिवार्य बना दिया। अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे, और शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, अपनी इच्छा हो तो ही आप बनना, और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द और औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार है, यानी महिला भी तलाक ले सकती थी और पुरुष भी तलाक ले सकते हैं, और साथ ही मर्द और औरत दोनों को ही अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक ट्रेनिंग यानी कि प्रोफेशनल कोर्स करने लग गई। महिलाएं कलाकार बन सकती थी, छोटे छोटे व्यवसाय चला सकती थी, जैसे सिलाई करना, ब्यूटी पार्लर चलाना,
ये सारे व्यवसायिकों में वो ट्रेनिंग देने लगी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा और आज आतंक के दौरान राज के दौरान सरकार ने आतंक के दौरान आतंक राज के दौरान महिलाओं के क्लबों को बंद करा दिया गया और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई, कानून लागू किया गया, कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी से भी अन्य देशों में चल रहा है। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरू तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया है। ठीक है, 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। अब आप एक महिला के बारे में जान सकते हैं, क्रांतिकारी महिला है, महिला का नाम है क्रांतिकारी महिला ओलंप द गूज। ठीक है, ओलंप द गूज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान तथा पुरुष तथा नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया क्योंकि इसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूल अधिकारों से वंचित रखा गया, क्योंकि महिलाओं को नागरिक ही निष्क्रिय नागरिकता थी, निष्क्रिय नागरिक माना गया था। इसलिए महिला ओलंप द गूज ने इस पत्र के अंदर जो है अपना अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया। साथ ही उन्होंने सन 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र खुद बनाया 1791 में, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास ये मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। 1793 में ओलंप द गूज ने महिला क्लबों को ज़बरदस्ती बंद करने के लिए जेकोबिन सरकार की आलोचना की, क्योंकि जेकोबिन सरकार ने ज़बरदस्ती महिलाओं के क्लब बंद कर दिए थे आतंकराज फैलाने के लिए। ठीक है, उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसके बाद महिलाओं को फांसी पर भी लटका दिया गया। इसके बाद देखिए आप, घोषणा पत्र है ये, औरत जन्मना स्वतंत्र है, औरत मतलब ओलंप द गूज ने कुछ मूलभूत अधिकार के तहत अपनी मांगे रखी थी कि औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुषों के समान है। ठीक है, सभी राजनीतिक संगठनों का लक्ष्य पुरुष और महिला के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है, जैसे स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। तीसरा, समग्र संप्रभुता का स्रोत राष्ट्र में है जो महिलाओं और पुरुषों के संघ के सिवाय कुछ भी नहीं है। चौथा, कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, सभी महिला एवं पुरुष नागरिकों का या तो व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि निर्माण में दखल होना चाहिए, ये सभी के लिए समान होना चाहिए। सभी महिला और पुरुष नागरिक अपने योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से बिना किसी भेदभाव के हर समय सम्मान और सार्वजनिक पद के हकदार है। पांचवा, कोई भी महिला अपवाद नहीं है, ये विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा अपराधी ठहराई जा सकती है, गिरफ्तार और नज़रबंद की जा सकती है, पुरुषों की तरह महिलाएं भी इस कठोर कानून का पालन करें। तो ये घोषणा पत्र ओलंप द गूज ने दिया। इसके बाद आप नीचे एक फ़ोटो देख रहे हैं, बेकरी की दुकान पर कतार में महिलाएं, तो ये महिलाएं जो हैं वो लाइन लगाकर खड़ी हैं। इसके बाद आप आगे देखिए, दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा पर रोक लगी है। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा को रोकने के लिए जेकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था ये दास प्रथा का उन्मूलन करना, यानी गुलामों की जो प्रथा है उसे रोकना। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलोप, सेंट डोमिगो, ये लोग जो थे वो तंबाकू, नील, चीनी, कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। आपूर्ति मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। ठीक है, अपरिचित एवं दूसरे देश जाने और काम करने की प्रति यूरोपियों की इच्छा का अनिच्छा का मतलब था। इनको बागानों में श्रम की कमी थी। एक्चुअली क्या है कि वहाँ पर बागों में काम करने के लिए लोग चाहिए थे और ये लोग जो है वहाँ जाकर काम करते थे, लेकिन इन लोगों को कई सालों तक अपने परिवारों से मिलने की परमिशन नहीं थी, इसलिए भी इसका विरोध किया गया। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। बागानों में श्रम की कमी होने के कारण श्रमिकों को कहाँ से ला रहे हैं,
अमेरिका से, अफ्रीका से और यूरोप से, यहाँ से दासों को लेकर गुलामों को खरीद खरीद कर लाते थे और ये फिर गुलाम काम करते थे। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में ही शुरू हो गया। इम्पोर्टेंट एक नंबर की बात यही है कि व्यापार कब से शुरू हुआ, 17वीं शताब्दी से शुरू हुआ। ठीक है, फ्रांसीसी सौदागर बोर्डे या नानते बंदरगाह से अफ्रीकी तट पर जहाज ले जाते थे, अफ्रीका के तट पर जहाज ले जाते थे जहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास गुलाम खरीदते थे और दासों को दाग कर यानी उनके शरीर पर एक निशान दाग देते थे कि वो गुलाम है और हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पास, अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 महीने के लिए खरीद कर लेकर जाते थे। ठीक है, 3 महीने के लिए लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में उनको ठूस दिया जाता था दास बनाकर, वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था लोगों को। ठीक है, दासों को दास श्रम के बल पर यूरोपीय कारो बाजारों में चीनी कॉफ़ी नील की मांग बढ़ती जा रही थी और उनको पूरा करना संभव हुआ। बोर्डे और नानते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन पाए। तो ध्यान रखना कौन से दो नगर हैं, कौन से दो बंदरगाह हैं, बोर्डे और नानते, ये दो बंदरगाह हैं जो दास व्यापार की वजह से ही समृद्ध और पावरफुल और पैसे वाले शहर बन पाए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई इस पर, व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया, व्यापारियों के डर से, क्योंकि अगर गुलाम चले जाएंगे तो काम कौन करेगा, और इसीलिए व्यापारियों के डर से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया। अतः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का एक कानून पारित किया कि जितने भी दास बाहर काम करने के लिए गए हैं उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लगा रहा। ठीक है, बाद में नेपोलियन आया और नेपोलियन ने क्या करा, इस दास प्रथा को फिर से शुरू कर दिया। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई, यानी ये जो लोग वहाँ जाकर रह रहे थे इन्हें परमानेंटली वहीं रख लिया गया और अफ्रीकी निग्रो लोग जो थे वो विशेष रूप से गुलाम बनकर वहीं रह गए, उनको एक गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी इन लोगों को। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। ठीक है, तो ये दास प्रथा जो है वो इस प्रकार ख़त्म हुई है। इसके बाद आगे देखिए, इस प्रकार दास प्रथा ख़त्म हुई है। फिर आता है आपका क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी। क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी जो है आप देख सकते हैं चित्रों के अनुसार कि किस प्रकार चित्र दिए हुए हैं। क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी देखिए, निग्रो जो है वो अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले लोग हैं। ये अपमानजनक शब्द हैं, इनका इस्तेमाल किया नहीं जाता। क्रांति और रोजाना की ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस के लोगों की रोजाना की ज़िंदगी कैसी है, क्या राजनीति, लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। सन 1789 के बाद वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता, समानता के आदर्शों को जीवन में उतारने का प्रयास किया। बास्टिल के किले के विध्वंस के बाद 1799 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून नज़र में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। यानी सबसे इम्पोर्टेंट कानून जो बना था वो ये था, सेंसरशिप की समाप्ति, यानी सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक, इनको राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने का
बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जाता था। एग्जाम्पल सुन सकते हैं आप सेंसरशिप के मामले में। इसका मतलब यह है कि जैसे आप पिक्चर वगैरह देखते हो तो पिक्चर के जो बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं या कोई मूवी है वो तब तक रिलीज़ नहीं होती है जब तक कि सेंसर बोर्ड उसको परमिशन नहीं दे देता है ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ करके उसको देख सकें। तो सेंसरशिप जो था उसको समाप्त कर दिया गया था। अब हर कोई इसे अधिकारों को मंचित कर सकता था, अपने अखबार नाटक गतिविधियों को छाप सकता था, प्रकाशित कर सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्राकृतिक अधिकार, यानी व्यक्ति का अधिकार बोलने का उसका पक्का अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, और भाषण देने का उसका अधिकार मान लिया गया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्ची, पुस्तक एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेजी से गांव देहात तक पहुँची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं और परिवर्तनों का ब्यौरा और टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है अब कोई भी व्यक्ति मीडिया को बुलाकर अपने विचार अभिव्यक्ति कर सकता था। किसी भी घटना या परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट मीडिया का उपयोग करके एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की गई। नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूस आदि किए जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का ये एक लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षकों के लिए ही संभव था। आप फोटो देख सकते हैं, ये देशभक्ति कसरती दाब मशीन जिसका इस्तेमाल मोटापा घटाने के लिए किया गया है। उसके बाद आप फोटो नीचे देख सकते हैं, जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइली, और एंड में आपका आता है सारांश, तो देख लीजिए, सारांश भी पढ़ लेते हैं। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। यही आपका एक नंबर का क्वेश्चन है। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की यात्राएं शुरू की, पुराने राजवंशों को हटाकर अपने नए साम्राज्य बनाए, उनकी बागडोर अपने खानदान के हाथ लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बना दिए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली पर चर्चा शुरू की। बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उसे जनता की स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ, जिसमें नेपोलियन की हार हो गई और यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के बाद काफ़ी समय बाद नज़र आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी लोग यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दास्तां से मुक्ति के विचारों की परिभाषा नहीं दी। टीपू सुल्तान और इसी के साथ आपका पाठ जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है।